दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड की ये शानदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको भी लगता है कि जो ये मैच दो दो बार टाई हुआ है, ये मैच इतिहास का सबसे बड़ा मैच है, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, और ये ऐसा पहला मैच है जो कि सुपर ओवर में भी टाई हुआ। जी हाँ, इस मैच का पूरा हाल हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये सुपर ओवर जो हुआ वो बेहतरीन आपको लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक वेस्टइंडीज के जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के सुपरस्टार बन चुके हैं। जी हाँ, हम आपको पूरा सुपर ओवर बताते हैं कि सुपर ओवर में आखिर हुआ क्या क्या। सुपर ओवर में इंग्लैंड की पहली बैटिंग आई और इंग्लैंड के वैन स्टोक ने पहली गेंद खेली। वैन स्टोक वही हैं जो कि इंग्लैंड को अंतिम ओवर तक मैच खींच के ले गए और मैच टाई कराकर सुपर ओवर तक ले गए। बोल्ट की पहली गेंद पर स्टोक ने 3 रन ले लिए। स्टोक का आज दिन था, वो कुछ भी शॉट मार रहे थे, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी। स्टोक की पहली गेंद पर 3 रन लेने के बाद स्ट्राइक पर आए बटलर, और बटलर ने अगली गेंद पर 1 रन लिया, और अगली गेंद जो कि वोल्ट की इस ओवर की तीसरी गेंद थी, उस पर स्टोक ने एक शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ डाला। इसके बाद चौथी गेंद पर वोल्ट की स्टोक्स ने 1 रन ले लिया। अब स्कोर हो चुका था 4 गेंदों में 9 रन। अगली गेंद पर बटलर ने 2 रन लिए, और बटलर ने अंतिम गेंद पर चौका मारकर इंग्लैंड का स्कोर सुपर ओवर के एक ओवर में 15 रन पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 16 रन की दरकार थी। न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी करने आए नीसम और गुप्टिल, और इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आर्चर। आर्चर ने पहली गेंद वाइड फेंक दी। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर आर्चर ने जो कि यॉर्कर मारने का प्रयास किया, इस पर नीसम ने 2 रन के लिए खेल डाला, लेकिन अगली गेंद पर ट्विस्ट आया और इस ओवर की दूसरी गेंद और वाइड मिला के तीसरी गेंद पर आर्चर की नीसम ने लेग साइड पर एक जोरदार छक्का जड़ डाला, और इस छक्के के साथ ही ऐसा लगने लगा कि अब न्यूजीलैंड के हाथ में कप आने वाला है। लेकिन नीसम के सामने आर्चर जो गेंदबाजी कर रहे थे उन्हें और कुछ मंजूर था। हालांकि अगली गेंद जो कि आर्चर की तीसरी गेंद थी इस ओवर की, उस पर भी नीसम ने 2 रन ले लिए, और 3 गेंदों में स्कोर हो गया 11 रन। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 3 गेंदों पर 5 रन की दरकार थी। नीसम ने अगली गेंद पर भी 2 रन लेकर स्कोर को 13 रन पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड को 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत थी, लेकिन आर्चर की शानदार गेंदबाजी के आगे स्कोर भी टफ नजर आ रहा था। आर्चर ने जो गेंद डाली, उस पर नीसम ने 1 रन लिया, और अब सामने थे गुप्टिल। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की दरकार थी, और 2 रन के गुप्टिल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि गुप्टिल बना देंगे, लेकिन आर्चर की शानदार गेंदबाजी पर गुप्टिल ने लेग साइड पर क्लिक किया और जोरदार तरीके से भागने का प्रयास किया, लेकिन वो 1 रन ही कंप्लीट कर पाए और दूसरे रन पर आउट हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से रॉय और बटलर ने शानदार साझेदारी कर गुप्टिल को रन आउट कर दिया और इंग्लैंड को जीत दिला दी। हालांकि इंग्लैंड ने भी 15 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड ने भी 15, लेकिन बाउंड्रियों के हिसाब से इस मैच में इंग्लैंड को जीत मिली जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। तभी हम कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे शानदार मैच है, और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कॉमेंट बॉक्स में इंग्लैंड को आप बधाई भी दे सकते हैं।